हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। और यहां सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करने हैं कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें क्या कोएफिशिएंट पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रिलेशनशिप होता है कोएफिशिएंट के साथ, उसके थ्रू हम कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे और बाद में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है हमारा जीरोज है, ठीक है। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है एंड इट्स जीरोज बी दो जीरोज आपका होगा यहां अल्फा एंड बीटा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अब रिलेशनशिप क्या दिए हुए हैं जीरोज के बीच में, बोल रहा है कि सम है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा यही सम होता है इक्वल टू 1/4 गिवन है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप क्या होता है कोएफिशिएंट के साथ, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। दूसरा जो रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है -1, ठीक है। और इसकी रिलेशनशिप जो होती है कोएफिशिएंट के साथ वो होती है सी मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, जब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, डिनोमिनेटर में ए है, ठीक है। तो नीचे दोनों में सेम डिनोमिनेटर होगा, तो इसे हम रीराइट करेंगे, ठीक है। माइनस बी बाय ए, चलिए इसे हम माइनस ऑफ -1 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, ठीक है। और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं सी बाय ए, तो अगर b by a में 4 डिनोमिनेटर है तो c by a में भी हमारा 4 डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो इसे हम क्या लिख देंगे माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। तो यहां से हमें क्या a b c मिल जाएगा, तो इफ a इक्वल टू 4, ठीक है, b हमारा क्या आ गया -1 एंड सी इक्वल टू -4। अब देखिए ये रेशियो है, तो ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई, हम रेशियो है तो इसे अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें b बाय a को, ऊपर भी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो -2/8 हो जाएगा। वैसे ही हम अल्फा इंटू बीटा के जो रेशियो है वो भी -8/8 कर दें तो सेम हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉसिबिलिटी हुआ, ठीक है। उसके मल्टीपल्स में बहुत सारे हो सकते हैं, k से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो देखिए वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच फिट्स द गिवन कंडीशंस क्या हो जाएगा हमारा, कंडीशंस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो 4x² बी हमारा है -1, तो -x प्लस सी, सी -4 है, तो ये हमारा एक पॉसिबल पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे ही अगर k की वैल्यू हम चेंज करते हैं, ठीक है, इसको अगर k फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे एक पॉलिनोमियल को, तो रूट हमारी वही रह जाएगी, ठीक है।
तो देखिए आगे हम क्या एक नोट ऐड कर सकते हैं, एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स दीज कंडीशंस, दैट फिट्स दीज कंडीशंस, जो गिवन कंडीशंस है हमारे, कंडीशंस विल बी ऑफ द फॉर्म, विल बी ऑफ द फॉर्म के टाइम्स, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया 4x² - x - 4, ठीक है, के टाइम्स वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट और के इज रियल नंबर, वेयर के इज रियल, ठीक है। तो मतलब हम k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा एक पॉसिबिलिटी यही है, 4x² - x - 4। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।